हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर हेल्थ केयर प्रोग्राम डॉक्टर मेहताज लाइफ चेंजिंग टिप्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताते हैं और आपके जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हम आपको यूजफुल हेल्थ टिप्स भी बताते हैं। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार मेहता, जो कि पिछले 35 सालों से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। इन्होंने हॉलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम में बहुत सारे क्लिनिक और स्कूल चलाए हैं और अब भारत में भी इन्होंने पीडीआई इंस्टीट्यूट के नाम से एक आयुर्वेदिक सेंटर खोला है, जो कि रायवाला ऋषिकेश रोड पर स्थित है। डॉक्टर मेहता ने कई किताबें लिखी हैं एंड वन ऑफ हिज प्रोमिनेंट बुक। डॉक्टर मेहता, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन संगीता का है, ये दिल्ली से ये पूछना चाहती हैं कि खाना खाने के बाद इनको स्टमक में काफ़ी पेन रहती है और बर्निंग सेंसेशन सी रहती है, कई बार इनको हैवीनेस और इनडाइजेशन की भी फीलिंग होती है, तो ये जानना चाहती हैं कि आयुर्वेद में आप इनको कैसे गाइड करेंगे। संगीता जी, आपके विश्वास के लिए शुक्रिया। पेट में दर्द खाने के बाद ये शो करता है कि लंबा टाइम खाना आपके स्टमक में रह जाता है, तो हमें क्या चाहिए, खाना खाने से पहले ऐसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन करना चाहिए जो जल्दी से जल्दी खाने को पचा सके। तो उसके लिए सबसे अच्छी टिप ये है कि खाना खाने के 15 मिनट पहले थोड़ा सा अदरक नमक के साथ लीजिए। दैट विल मेक योर एंजाइम्स प्रोडक्शन बेटर एंड दैट विल डाइजेस्ट ऑल द टेकन फूड इन, तो उससे आपको दर्द नहीं होगा। और ख्याल रखिए कि अदरक, प्याज, लहसुन ये खाने में जरूर मिक्स किया जाए। और वैसे आप कहीं से भी लिवर स्टिमुलेंट की गोलियां लेके खा सकते हैं। लिवर स्टिमुलेंट जैसे कि लिव 52, लिव लॉन्ग, ये हमारे सेंटर में भी उपलब्ध है, तो आप ये कहीं से भी उपलब्ध करा के ले सकते हैं। थैंक यू। अब समय हो गया है हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाली एक यूजफुल हेल्थ टिप लेने। दोस्तों, 35 साल के तजुर्बे में मैं आपको यह बता रहा हूं कि लॉट ऑफ डिजीज आर बिकॉज ऑफ डाइजेशन प्रॉब्लम। इसबगोल इज द राइट आंसर टू दैट। आप इसबगोल लेके आइए, हर रोज आप खुद भी लीजिए, अपने बच्चों को भी दीजिए, यू विल फील द डिफरेंस। दोस्तों, अब समय हो गया है हमारा पता और ईमेल नोट करने का।